हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज लगाया है अभी अभी कलर, तो कभी कभी आर्टिफिशियल बनना पड़ता है क्योंकि बड़े कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये दाढ़ी ऐसे रखते हो ऐसे रखते हो, बट कभी कभी करना पड़ता है ये चीज़ें। मैं यूजुअली बहुत कम पसंद करता हूँ कलर वलर ये सब चीज़ लगाना, इसलिए मैं रफ एंड टफ जैसा हूँ वैसा ही रहना पसंद करता हूँ। ज़्यादातर मुझे वही अच्छा लगता है, जैसा है वैसा ही रहो। अभी क्या है, यहाँ पे सारे सैलून वगैरह तो बंद हैं, तो ये ट्रिमिंग वगैरह इसलिए हो नहीं पा रही है बिल्कुल भी दाढ़ी की अभी, क्योंकि 30 तक मुझे लग रहा है यहाँ पे सारा कुछ अभी बंद रहेगा। वैसे 23 तक सुना था, बट आगे शायद ये 30 तक अब बढ़ रहा है। तो आज है 22nd में, तो एक तो दिक्कत आ रही थी मशीन में, तो मशीन की कंप्लेन कराई है। जो वॉशिंग मशीन थी तो उसमें प्रॉब्लम कुछ लग रही थी हमें, तो मैकेनिक आएगा, देखते हैं उसका क्या होता है। और स्टार्ट करते हैं वीडियो, पहले मशीन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद पूरा दिन जो जो चीज़ें चलेंगी वो दिखाएंगे। तो मैकेनिक आज आने वाला है, कल कंप्लेन करा दी थी शाम में करीब 6 बजे या 5:30 बजे के आसपास कंप्लेन करा दी थी हमने, तो देखते हैं मैकेनिक कब तक आता है और फिर उसके बाद कैसी चलती है, क्या दिक्कत है उसमें, वो भी सारा कुछ बता देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये अभी वॉशिंग मशीन चेक करा रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम मतलब इसका स्पिनर काम नहीं कर रहा था, तो अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही थी। और कहीं से इसमें स्मेल आ रहा था कहीं पे। हाँ, यूज़ कीजिए, कुछ दिक्कत हुआ तो बताइए। पक्का पक्का, थैंक यू। क्या नाम है आपका? साहिल। चलिए ठीक है। तो ये ठीक हो चुकी है, ठीक मतलब इसमें कमी कुछ नहीं थी। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी इसका ना, प्रॉपर जो ड्रेन वाला पाइप है वो नहीं निकल रहा था, तो ये पाइप लंबा था और ये ऊपर टंगा हुआ था, जिसकी वजह से लकड़ी पे यहाँ पे तो पानी इसके अंदर रुक रहा था और वो पानी पीछे तक रुका हुआ था, यहाँ तक उसकी वजह से निकल नहीं रहा था। तो मेन ये प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी वजह से हमें इसका जो स्पिनर था वो नहीं चल रहा था। बाकी ओके है एकदम मशीन, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर ली। और वो पाइप जैसे ही मैंने नीचे गिराया तो स्पिनर भी एकदम अच्छे से काम करने लगा है, तो चलो ये टेंशन थी ख़त्म हुई। तो मशीन हो चुकी है ठीक और कोई भी दिक्कत नहीं थी उसमें। और फिटिंग की थी। हाँ, फिटिंग की मतलब जो हमने उसका ड्रेनर वाला पाइप था बहुत लंबा था और वो ना ऊपर पेड़ पे टांग रखा था। हाँ। कि पानी पेड़ के जड़ में गिरता रह जाके, तो उसकी वजह से वो पानी उसमें ना पीछे तक रुका हुआ था, वो बीच में से लटका हुआ था और आगे से ऊंचा हो रखा था, उस वजह से वो प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पा रही थी। हाँ। मशीन जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। सर्विस बहुत अच्छी लगी। हाँ, करीब हाँ सर्विस एप्रिसिएबल है, बिकॉज क्या हुआ, रात को मैंने कंप्लेन की थी करीब 6 बजे के आसपास, 6 के आसपास, और सुबह बंदा आ भी गया, मतलब 12-1 बजे तक बंदा यहाँ पे आके कर भी गया वो। तो वो चीज़ अच्छी लगी, मतलब एकदम हो गया और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मतलब एड्रेस वगैरह सारा कुछ ऑलरेडी, क्योंकि अमेजोन से मंगाई थी तो उनके पास था ऑलरेडी सारी चीज़ें। वो शायद कंपनी से आई थी, तभी मैंने जिस नंबर से कॉल किया उसी नंबर से मैंने मतलब अमेजोन से मंगाई थी, तो जैसे ही मैंने कॉल किया दे सेड की लाइक हाँ एड्रेस है हमारे पास आपका। हाँ, तो और पैसे चलने में कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें, क्योंकि बहुत स्मूथ है मशीन, वो जब चलती है ना बहुत स्मूथ चलती है। अभी कपड़े धोने के लिए लगा भी दिए तो अभी चल रही है, अच्छी चल रही है और अब वो दिक्कत भी नहीं आ रही जो पहले पानी उसके अंदर रुक रहा था, रुका हुआ था। जो वो टेक्नीशियन आया था उनका, उसने क्या बताया कि लाइक जो इसमें ना एक ऑटो सेंसर होता है, जैसे कपड़े थोड़े से भी डिसबैलेंस हुए तो ये वापस से पानी भरने लगती है उनको बैलेंस करने के लिए। तो मतलब ये बार बार वही चीज हो रही थी, वो स्पिन पे आती थी वापस से रिंस पे पहुंच जाती थी, क्योंकि वो फिर से पानी भरने लगती थी। 3 बार ऐसा हुआ, तो मतलब वो ड्राई कर ही नहीं रही थी, कपड़ों से पानी टपक रहा था जब मैंने कपड़े निकाल के ऊपर डाले सुखाने के लिए, और मुझे स्मेल भी आई थी, तो मैंने उसी चीज़ की कंप्लेन की थी। तो उसने आते ही बता दिया कि ये ड्रेन नहीं हो पा रही और आवाज़ भी करनी शुरू हो गई थी, मतलब ये ना साइलेंट है, बहुत साइलेंट। जो हमारी पिछली मशीन थी उसमें आवाज़ आती थी, वो इतनी साइलेंट नहीं थी। हाँ। तो ये सडनली ना आवाज़ करनी शुरू कर दी थी इसने, और जैसे ही पाइप नीचे गिराया वापस से साइलेंट। तो उसने आते ही देखते ही बता दिया कि ये आपके सिस्टम का गड़बड़ है। हाँ। और कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है।
चलो तो ये एक टेंशन खत्म हुई। मतलब ये एक अच्छी चीज हो गई। धर्मेंद्र रात से टेंशन में थे, आ जाती है टेंशन हो जाती है। मैंने और खराब हो गई। मैंने कितनी बार इनको बोला कि मशीन है, आई है, वारंटी में है, शांति पकड़ के बैठो, मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे आता है ये सारी प्रॉब्लम्स ना हैंडल करनी आती है मुझे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी घर पे आते हैं वो ऑर्डर मैं ही करती हूँ, और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो भी मैं ही हैंडल करती हूँ, ये तो पीछा छुड़ा लेते हैं। तो ये है इधर चीकू का पेड़, और बारिश हुई है तो सब जगह ग्रीनरी अच्छी हो गई। नीचे भी ना यहाँ पे जमने लगी घास, पत्थरों पे भी। और ये इधर है गुड़हल का फूल पेड़, और यहाँ छोटी छोटी अब ना घास जमने लगी। पहले ये घास नहीं थी यहाँ पे कहीं भी, जब बरसात नहीं थी, तो बरसात होने से ये फ़र्क होने लगा, तो ये सारे में घास आने लगी। पहले नहीं थी यहाँ पे कहीं भी घास, इधर की तरफ भी, गाड़ी के नीचे भी जम गई है। तो पीछे की ओर देखते हैं, पीछे भी काफ़ी ग्रीन हो गया है। तो आज के व्लॉग में पूरा अपना गार्डनिंग दिखाने में ही निकल गया, थोड़ा मशीन का मतलब डेली व्लॉग टाइप हो गया आज का, घर का ही पूरा, कहीं बाहर नहीं गए। तो इधर थोड़ा सा अब संभल के रहना पड़े करेगा, क्योंकि आते टाइम ना सांप वाँप का इधर डर रहेगा, तो बरसात में सांप ऊप आते हैं काफ़ी। और ये सब एकदम क्लीन हुए, ये बहुत टूटे हैं, जो नारियल के पेड़ हैं ना, इनके पत्ते बहुत टूट टूट के गिरे हैं। ये मतलब बहुत जगह देखे हैं रास्ते में भी मैंने गिरे हुए, और काफ़ी नारियल भी टूटे, और आम तो सब गंजे हो गए, जितने आम थे ना सारे के सारे टूट गए थे। ये है पीछे वाला गार्डन इधर। तो गांव में होते तो गांव में यहाँ पे खाटे डाल के सब बैठे हुए होते, यूजुअली हमारी तरफ गांव में यही करते हैं, पेड़ों के नीचे खाटे डाली खेतों पे ले जाके, और ज़्यादातर ताश खेलते हैं, जो पत्ते होते हैं वो खेलने लगते हैं। वो मतलब वैसे नहीं खेलते पैसों वाला, बट वो हाँ हार जीत वाला खेलते रहते हैं। तो बरसात में यही काम होता है पूरा घर, जो गाँव है वहाँ पर हमारी साइड। और ये पानी वाला पाइप ना काटना पड़ेगा, ये आगे जैसे घूम रहा है ना तो पानी नहीं निकल रहा अभी प्रॉपर, तो इसे काट के यहाँ से और इधर तक छोड़ देंगे, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, स्पिन में दिक्कत नहीं आएगी मशीन के। तो आज बन रही है भिंडी और मूली, मूली की भुर्जी बना रहे हैं। और आज के ब्लॉग में आपको दिखाया पूरा गार्डन वगैरह सारा कुछ, पूरा ग्रीनरी हो रखी है इस टाइम गोवा में, बरसात आने से और भी ज़्यादा हरा भरा हो गया है गोवा। हाँ, और मशीन भी ठीक हो गई है, उसमें प्रॉब्लम कुछ थी नहीं, बट वो पाइप काटना पड़ेगा बीच में से जो दिखाया मैंने, दोबारा चलाएं तो तब भी वो खींच के रखना पड़ रहा है। हाँ, पानी जा नहीं रहा, तो पानी प्रॉपर निकल नहीं रहा है, पूरा पाइप लंबा है थोड़ा सा, तो वो बीच में से काट करना पड़ेगा। एंड होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।